हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन भक्त माता आदि शक्ति के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करते हैं, साथ ही माता को रिझाने तरह तरह के जतन करते हैं। उन्हीं में से एक है नवरात्रि के 9 दिन किया जाने वाला व्रत। हिंदू धर्म ग्रंथों में व्रत क्रिया को संकल्प सत्कर्म अनुष्ठान भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लोकल 18 से बात करते हुए आचार्य पंकज सावरिया ने बताया कि व्रत धारण और व्रत पारण को लेकर हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष नियम हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही व्रत धारण करना चाहिए और पारण करना चाहिए, अन्यथा व्रत निरर्थक हो जाता है और हमें उसका फल नहीं मिल पाता। तो आइए आज हम व्रत पारण के नियमों के बारे में जानते हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए ही व्रत करना चाहिए। नमस्कार, मैं आचार्य पंकज सावरिया। आज सब लोग व्रत करते हैं, व्रत के पारण का विधान नहीं पता होता है कि व्रत का पारण कैसे करना है। हमने 9 दिन तपस्या किया, 9 दिन व्रत किए और पता चला कि थोड़ी देर बाद दशमी लग गई, फिर थोड़ी देर के बाद एकादशी आ गई। तो यदि हमने एकादशी को व्रत का पारण किया तो उसका फल नवरात्रि का व्रत हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहली बात, अष्टमी तिथि को या नवमी को प्रातःकाल ही आप सुंदर स्नान ध्यान करके आप जो जिस घट का स्थापना किए हैं उस घट की पूजन करके उसके बाद हवन कर लें। हवन करने के बाद आप सुंदर 9 कन्याओं को बुलाएं। 9 कन्याओं को सबसे कन्या बुलाने पर सबसे पहले उनको आगवानी कलश लेकर के करिए। कलश लेकर आगवानी 9 कन्याओं को करिए और आपके घर पहुंचते ही उन कन्याओं की चरण धुलिए और चरणों की पूजा करिए। पूजा चरण की होती है, मस्तक की पूजा नहीं करना चाहिए, वो आदिशक्ति है, आदिशक्ति का मस्तक छूने का अधिकार नहीं है। तो आप चरणों की पूजा करें, आरती उतारें। आरती उतारने के बाद आप सुंदर श्रृंगार करें उन माताओं का, जो आपके पास श्रृंगार उपलब्ध है, सुंदर चुनरी ओढ़ा दें, जो आपके पास है बिंदी लगा दें, महावर लगा दें और इसके बाद बढ़िया भाव के साथ आसन दे करके बैठा करके और उनको भोजन में एक गलती ना करें, नमक ना खिलाएं, कभी भी मीठा खिलाएं। और मीठा खिलाने के बाद सुंदर, वैसे माता रानी को हलवा और पूड़ी का भोग लगता है, तो हलवा पूड़ी का भोग लगाने के बाद उन 9 कन्याओं को भोग लगा दें और जब कन्याएं भोजन कर लें उनकी थाली पर जो जूठा बचे उसी को ग्रहण करके व्रत का पारण करना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा ना करें कि 9 दिन हो गया कुछ भी खाते पीते रहें, ऐसा नहीं। आप कन्याओं का जूठन ग्रहण करने के बाद जलपान करें और उसके बाद आप तामसी वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, अन्यथा उसका संपूर्ण जो आपने व्रत किया है उस व्रत का जो फल है वो आपसे क्षीण हो जाता है। इसलिए व्रत को तामसी रूप से पारण नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्रानुसार ही पारण करना चाहिए और समय पर पारण करना चाहिए।